नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात दादर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिली लाश की करेंगे। दादर रेलवे स्टेशन मुंबई का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक, और इस रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति लगभग, बात है 5 अगस्त रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच का समय। इस समय दादर रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति चल रहा था और एक व्यक्ति एक लाल कलर का सूटकेस लेकर और सूटकेस को लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस सूटकेस को उठाने में उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यानी वो सूटकेस को बरोबर प्रॉपरली उठा नहीं पा रहा था, यानी संघर्ष कर रहा था और प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे, यानी पेट्रोलिंग कर रहे थे। जो आरपीएफ के कॉन्स्टेबल है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनकी नजर जब पड़ी कि एक व्यक्ति है, वो अपना सामान भी उठा नहीं पा रहा है और परेशान भी है, और लाल कलर का सूटकेस भी काफी बड़ा था, वजन दिख रहा था कि कुछ वजनदार चीज में है। और जब आरपीएफ कॉन्स्टेबल ने उसे देखा नहीं रहा तो वो आगे बढ़ा मदद के लिए कि मदद कर देता हूँ। मदद करने के लिए जब आगे बढ़ा तो पेशकश किया जब मदद की, तब उसे रोक दिया। वो बोला कि नहीं, हमारे मेरे साथ एक व्यक्ति और है। तो आरपीएफ कॉन्स्टेबल रुक गया। अब रुकने के बाद जब उसने फिर बैग को अच्छे से देखा एक नजर, तो देखा कि बैग के अंदर से खून का रिसाव हो रहा था। जब ये देखा उसने तो हैरान रह गया कि बैग के अंदर से खून कहां से आ रहा है, क्या है इस बैग के अंदर। तुरंत आरपीएफ कांस्टेबल ने उन्हें किनारे करने की कोशिश की, पीछे हटो, मैं बैग को चेक करूंगा। जैसे ही ये बात आरपीएफ कांस्टेबल बोला, जो एक व्यक्ति था जो उसका साथ ही, वो भाग गया और एक पकड़ा गया। अब पुलिस ने एक को पकड़ कर और जो आरपीएफ के अपने साथियों को बुलाया और आरपीएफ के कांस्टेबल वहां पर पहुंचे और उन्होंने बैग को वहां पर जगह पर खोला। अब जैसे ही वो बैग का जो लाल कलर का बड़ा सा सूटकेस था उसका चैन खोला, उसके अंदर एक हैरान कर देने वाली चीजें देखकर वहां पर खड़े लोग और आरपीएफ कांस्टेबल भी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक बॉडी किसी तरह लपेट के अंदर भरी गई है और बॉडी से खून का रिसाव हो रहा है और उसके सर पर, उसके चेहरे पर वार किया गया है। यानी अभी केस इस बॉडी को देखकर, इस सूटकेस में जिस तरह भरी है वो देखकर क्लियर हो गया था ये मर्डर केस है। अभी अपने आप में एक बड़ा केस था क्योंकि दादर रेलवे स्टेशन पर लाश को भरकर सूटकेस में आना, अभी प्लेटफॉर्म की ओर, यानी कहीं ना कहीं मर्डर करके बॉडी को ठिकाने लगाने का मकसद है। इस केस में क्लियर ये था कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए या ट्रैक पर फेंकने के लिए या एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर डालकर छोड़ देने के लिए लवारिस लाश जैसा, ऐसी इनकी प्लानिंग होगी। अब पुलिस ने एक को हिरासत में लिया, उसका नाम है जय चावड़ा। जय चावड़ा और कई कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी दावा किया है कि उसका नाम प्रवीण चावड़ा है, लेकिन अभी आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से जय चावड़ा नाम है। अब जय चावड़ा को पुलिस ने जब हिरासत में लिया, जब उसे पूछताछ की तो पता चला कि ये गूंगा है, बोल नहीं सकता है और ना सुन सकता है, यानी ये गूंगा बहर है। अब पुलिस उससे पूछताछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पूछताछ कर रही थी तो वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब बोल भी रहा है तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है, यानी पुलिस को उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गूंगा था, उसकी जो भाषा है, जो संकेतिक भाषा है, वो समझ में नहीं आ रही थी उसको। तब उसने क्या किया, पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद अब बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने बॉडी की जब सीनाखात करने की कोशिश की, अब पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे। ये बॉडी दादर रेलवे स्टेशन पर कहां से लाई गई और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो आया था वो कौन है, इसका मर्डर में इसका साथी हो सकता है जो शामिल होगा, और जो ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है और इनका क्या था मकसद, इसको क्यों मारा, अपने आप में कई बड़ी बड़ी सवाल अब इस केस में खड़े हो चुके थे। अब 5 अगस्त की रात को बॉडी मिली। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते करते लगभग 1.5 से 2 दिन का समय बीत गया, लेकिन पुलिस इस केस में काफी निर्णायक यानी मंजिल तक पहुंच गई इस केस को सॉल्व करने तक। पुलिस को यह पता चला कि जो व्यक्ति मरा है उसका नाम है अरशद अली शेख, यानी जो मरने वाला का नाम है अरशद अली शेख। फिर जय चावड़ा जो सूटकेस लेकर आ रहा था उसका साथी, उसके बारे में पता चल गया, उसका नाम है सुरजीत सिंह। अब सुरजीत सिंह फरार है रेलवे स्टेशन से, पुलिस उसकी तलाश करती है। अब पुलिस तलाश करने के लिए सीसीटीवी और जो जय चावड़ा है उसके उसकी मदद से फोन नंबर
और ये मर्डर कहाँ पे हुआ, ये सारे सबूत और डिटेल खंगालती है। तो पुलिस को सुरजीत सिंह का नंबर मिलता है और नंबर को पुलिस ट्रेस करती है। पुलिस जब ट्रेस करती है तो पुलिस तो पहले बहुत कोशिश करती है, लेकिन नंबर बंद आ रहा था, लेकिन अचानक नंबर ऑन होता है और पुलिस को टीम को लोकेशन मिलता है उल्लासनगर में, मुंबई से सटा एक इलाका है उल्लासनगर। उस उल्लासनगर में जाती है पुलिस और लोकेशन के हिसाब से पुलिस वहां पर दाबिश देती है और वहां से जो सुरजीत सिंह है उसे गिरफ्तार कर लेती है। सुरजीत सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस वापस लेके आती है और पता चलता है कि ये लोग गूंगे बहरे हैं, यानी अब पुलिस को अपने आप में फिर एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को, क्योंकि इस केस में इंट्रोगेशन करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा जो इनसे बात कर सके, इंट्रोगेशन कर सके, क्योंकि जो सवालों के जवाब है उन्हें देने हैं और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, तो अधिकारियों ने जो इनसे बात कर सके जो एक्सपर्ट है उन्हें बुलाते हैं। अब इनसे पूछताछ जारी है। अब कई आपको बता दें इस केस में कई और भी नई नई कहानियां निकल कर सामने आई। जो अरशद अली का परिवार है, जो अरशद अली है वो सांताक्रूज के, मुंबई के सांताक्रूज के कालीना का रहने वाला है। अरशद अली के परिवार के बारे में पता चल गया और उसे बॉडी सौंप दी गई। अब अरशद अली को क्यों मारा, इनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, पुलिस ने थोड़ा और डिटेल निकाला तो पता चला कि ये जो तीनों हैं सुरजीत सिंह, जय चावड़ा, अरशद अली, ये तीनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों डीप एंड डम्ब हैं, यानी गूंगे और बहरे हैं, और तीनों अच्छे आपस में अच्छे दोस्त हैं। तो 5 अगस्त को क्या हुआ था, पुलिस ने इसके बारे में भी पता लगाया कि अरशद अली का मर्डर क्यों किया इन लोगों ने, और मर्डर किया तो कैसे किया, क्यों किया, कहाँ किया, ये अपने आप में एक बड़े सवाल थे। अब जो सुरजीत सिंह है और जो जय चावड़ा है, सुरजीत सिंह पार्टी के लिए अरशद अली को बुलाता है जय चावड़ा के घर 5 अगस्त को शाम को दारू पार्टी के लिए। अब सुरजीत सिंह जब अरशद अली को बुलाता है तो अरशद अली भी पहुंच जाता है जय चावड़ा के घर शाम को 5 अगस्त की, और वहां पर पहुंच के बैठता है। फिर वहां सुरजीत सिंह आता है, जय चावड़ा वहां पर अपने घर में मौजूद था। अब ये लोग खूब शराब पीते हैं, पार्टी कर रहे थे लोग, कुछ इनका उस समय मोटिव नहीं था शायद, जो अभी तक खबर है। अब ये लोग पार्टी कर रहे थे, पार्टी सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर जब ये लोग शराब पी लिए तो इन लोगों के बीच झगड़ा हो गया। ये लोग पहले से एक तो गूंगे बहरे हैं, अब इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि जो जय चावड़ा है, सुरजीत सिंह है, इन लोग ने एक वजनदार हथियार उठाए, कोई वजनदार चीज या नुकीली चीज उठाए और उसके सर पर वार कर दिया अरशद अली के। अरशद अली के जैसे ही वार किए वो जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ने के बाद वो छटपटाने लगा और उन लोगों ने एक के बाद एक और वार किया, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। ये लोग नशे में धुत थे, लेकिन जिस तरह मर्डर होने के बाद इन लोगों को होश आया, अब इन लोगों के मन में सबसे बड़ा एक ही सवाल था कि इस बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि बॉडी नहीं फेंकेंगे तो अपने आप में इन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन लोगों ने बॉडी को ख़त्म यानी डिस्पोज करने की सोच लिया कि अब बॉडी को कहीं फेंकेंगे। अब इन लोगों के मन में कोई सूझ नहीं रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया कि दादर रेलवे स्टेशन पर पहले तो जय चावड़ा के घर से इन लोगों ने सूटकेस निकाला और सूटकेस के अंदर पूरी बॉडी को बाकायदा पैक किया यानी डाला, और पैक करने के बाद सूटकेस को लेकर दादर रेलवे स्टेशन रवाना हो गए ऑटो या टैक्सी से। वहाँ रवाना होने के बाद इन लोग उतरे और बैग वजन था, बॉडी थी। अब ये लोग किसी तरह उस बैग को लेकर दादर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, तभी आरपीएफ कांस्टेबल ने देख लिया और जो सुरजीत सिंह है वो फरार हो गया और जय चावड़ा पकड़ा गया। अब इस केस में पुलिस ने एविडेंस के रूप में जो जय चावड़ा के घर पायधुनी, मुंबई का जो इलाका है पायधुनी में जहाँ जय चावड़ा का घर है वहाँ पर मर्डर हुआ है, अब वहाँ से क्या किया कि पुलिस ने जो एविडेंस के रूप में जो वेपन यूज़ किया गया था उसको मर्डर में, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसे कलेक्ट कर लिया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि इन लोगों ने उसे मारा क्यों, उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं अरशद अली के परिवार का कुछ अलग कहना है, उन्होंने ये कहा है कि दुबई से में बैठे कुछ लोगों ने सुपारी दी है अरशद अली को मारने के लिए। अब क्या है, दुबई से सुपारी मिली या इन दोनों के बीच सारा पार्टी में झगड़ा हुआ, अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है और इनसे इंट्रोगेशन भी चालू है, जो एक्सपर्ट है उनसे बात कर रहे हैं। अब उसके बाद ही कुछ बड़ी जानकारी या बड़ी लीड पुलिस को हाथ लगेगी, इनका मकसद पता चलेगा। पुलिस ने इन दोनों को तो गिरफ्तार कर दिया है,
लेकिन मोटिव क्या है? चार्जशीट पुलिस जब दाखिल करेगी आरोप पत्र तो उसमें क्लियर होगा। अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, पुलिस आगे की जांच कर रही है, इसलिए आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।